Hello friends, we are going to study a very important topic today, and that is a preposition. And prepositions itself is a very tricky topic in English, my dear students. जब भी हम preposition की बात करते हैं तो थोड़ा सा nervous feel करने लग जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Right? तो इसके लिए एक soft solution यही है कि आप prepositions को एक एक करके पढ़ें और उनके ऊपर थोड़ा concentrate करें. Right? And avoid learning the meanings of Hindi. Like under is जैसे under को बोलते हैं, under का मतलब आपने सुना होगा कहीं ना कहीं. Under is a preposition. It's not only a preposition, केवल preposition ही नहीं है. Sometimes it is an adjective, it is an adverb. Okay, it is also used as a prefix. तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि adverb भी है, preposition भी है, prefix भी है, और इसके applications बहुत सारे हैं. तो आप एक ही word पे काम करें. सबसे पहले अंडर को समझते हैं. समटाइम्स सम अदर डे वी विल स्टडी अबव, देन सम अदर डे वी विल स्टडी बीनीथ. तो इस तरीके से एक एक प्रेपोजिशन को अगर आप पढ़ेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. राइट? फिर हमें डर क्यों लगता है? मीनिंग हमने एक बात याद कर ली, हमारे टीचर ने किसी ने बोल दिया अंडर मीन्स नीचे, सो बिलो मीन्स भी नीचे, बीनीथ मीन भी नीचे. तो फिर ये डिफरेंसेस के अबव मीन्स ऊपर, ओवर मीन्स भी ऊपर, अप मीन्स भी ऊपर, तो ये सारे ऊपर ही हैं. तो फिर हम अलग अलग जगह पे इनको यूज क्यों करते हैं? राइट? तो इनको याद करने का बेस्ट वे है कि जैसा इनको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है, आप बिल्कुल वैसे ही पढ़िए, कोई इशू नहीं आएगा. राइट? तो लेट अस प्रोसीड, इस टॉपिक को शुरू करते हैं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो देखिए ध्यान से, अंडर इज अ प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अ प्रीफिक्स. तो ये सारे काम करता है. एक एक करके समझ लेते हैं आज है क्या इसके अंदर. ओके स्टूडेंट्स, गेट रेडी. सो हियर यू सी अंडर ए यूज इन एप्लीकेशन. वी आर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले, वी गोइंग टू स्टडी एज अ प्रेपोजिशन. इसको समझने की कोशिश करते हैं. ओके, अब मैंने जो लिखा है यहाँ, ये नहीं लिखा अंडर का मतलब नीचे. आप देख सकते हैं इसके अंदर, अपने इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, मीन बीनीथ एंड कवर्ड बाय. द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए प्रेपोजिशन क्या हो सकता है भाई? वो एक ही है, आप उसको इमेज फॉर्म में याद कर लें. इमेजिनेशन, कल्पना करिए अंडर के बारे में, सोच के देखिए, वहां से इसका एक आंसर निकल के आएगा. राइट? सो अंडर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. हैव यू गॉट दिस? लेट्स सी. सो अंडर मीन बीनीथ एंड कवर्ड बाय. राइट? तो इसको लेते हैं लाइक दिस. इसको अगर समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये अंडर को इमेज बनाए तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, लाइक कवर्ड बाय समथिंग, कवर्ड बाय समथिंग. एंड अगर आपने पढ़ा हो कभी तो इस तरीके से लाइक दिस, अंडर दिस, अंडर दिस ब्लू स्काई. सो अंडर दिस ब्लू स्काई, हम इस नीली छतरी के नीचे बैठे हैं. अंडर दिस, अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द अम्ब्रेला. राइट? तो ये अंडर है, और इसको देखते हैं क्या हो सकता है. लेट अस सी अंडर ट्री, पेड़ के नीचे. यहाँ अब समझ में आता है कि कौन सा, कैसे और किस सिचुएशन में हम इसको नीचे के सेंस में ले सकते हैं. when we are covered by something, like हम इसको बोल सकते हैं. Right, under the umbrella. Under the tree, I would like to sit under the tree. मान लीजिए मैं ये लिखता हूं कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठना चाहता हूं. I would like to sit under the tree. तो इसमें ये पोजिशन कहाँ होनी चाहिए? As you can see, under मैंने कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल वही, exactly वही होना चाहिए. तो मुझे पेड़ के नीचे बैठना है, मैं पेड़ के नीचे बैठना चाहता हूँ. तो इसके लिए मुझे एक पोजिशन हमें डिसाइड करनी होगी. एंड आई थिंक दिस पोजीशन इज परफेक्ट, अंडर अ ट्री. बिल्कुल उसका सहारा लेके आप बैठ गए और आपने लिख दिया वहां पे अंडर अ ट्री.
So I would like to set under the tree. Here you can understand. I hope this is clear now. Okay. Now listen. There is a word. There is a question in exam. Exam. A question. हमसे पूछा जाता है. And that is if the noun is this. Sometimes this is asked. So what is the answer? हमारा answer क्या होगा? Under the shade. और इन द शेड. तो ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं. बट ट्री तो ठीक है, अंडर अ ट्री इट इज ओके, फाइन, नो इशू. अंडर अ ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ दे आस्क, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि दिस इज द नाउन, ओके, ये नाउन है आपका, शेड है, एंड हमने आपको ऑप्शन दिए, वी हैव गिवन टू ऑप्शंस हियर, अंडर द शेड और इन द शेड. ओके, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ओके, लेट्स सी अ क्वेश्चन. ओके, आई have parked my car. Now I have parked my car. मैंने अपनी कार को पार्क कर दिया है. कहां पे कर दिया? In the shade, under the shade. Now if you think, students, the answer is under, you're absolutely wrong. आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर है in the shade. Now why in the shade? Why not under the shade? Okay, let us understand. This is very important. So, इसको यहाँ से erase करके, let's make some space over here. Okay, yes, it is. Now, let's do this. Okay. I don't see the problem is there. I think. Okay, no issue. Let's write over here. Under the shade or in the shade, what is the problem? So here you see, when I say in the shade, this is the part, you can see the shade, and the car I have parked in the shaded area. As you can see, under the tree, this is the shade. Shade means shadow, chhaya hai, and I have parked my car here. Okay, so you can say my car is under the tree in the shade. Under the tree in the shade. Covered by tree in the shade. इसको ऐसे याद करें. Very good. Okay, let's see next one. Okay, here you have in a lower position or place than. Lower position or place than. Lower. Okay, adjectives में हमने एक यूज पड़ा है लोअर. लोअर मीन्स कंपैरेटिवली लो, यानी कि थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे. लो से और नीचे, लोअर हो गया. लो, फिर लोअर, एंड सबसे नीचे हो गया तो लोएस्ट. राइट, तो लोअर पोजीशन और प्लेस देन. इसके लिए हमने रखा है किसको? अंडर. अंडर से यूज होता है. तो कैसे, कैसे? लेट सी. हेयर यू सी अ टेबल. Right. Suppose somebody is standing over here. कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है. Right. तो उसके लिए टेबल क्या है? टेबल इज एट अ लो पोजिशन. एंड सपोज अ कैट इज सिटिंग ओवर देयर. कोई बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है. लेट सी, अ कैट इज सिटिंग ओवर हेयर. ओके, यू कैन सी अ कैट इज सिटिंग ओवर हेयर. हमने बिल्ली को बिठा दिया है. Then you can see this cat is sitting under the table. Right? Under the table. Right? So under ka aapne use dekha. But listen very carefully. Again, covered. This issue is there. Table ne cat ko cover kar rakha hai upar se. So this is important. Right? One more thing, and we can write like this. इसको देखें, under a table, under a position, इस तरीके से अगर है, तो इसमें और क्या-क्या हम use कर सकते हैं? Okay, so sometimes I say like this, the child is, the child is under the blanket. The child is under the blanket. Now, listen, the child is under the blanket is somewhat different. ये कुछ अलग तरीके का sense देता है.
अब यहां पर जो ब्लैंकेट है वो टेबल की तरह से नहीं है, राइट, वो बच्चे को टच करते हुए, बट द चाइल्ड इज अंडर द ब्लैंकेट, उससे दबा नहीं, एग्जैक्टली हमने उसको कवर कर रखा है, ओके, यू कैन से। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, वी शुड नो द अपोजिट ऑफ अंडर ऑल्सो, सो दैट वी हैव टू अपोजिट्स ऑफ अंडर, फर्स्ट इज, द फर्स्ट इज ओवर एंड द सेकेंड इज अबव। सो हियर यू कैन सी दिस टेबल इज ओवर द कैट, एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन से द ट्री इज अबव। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो वेयर इज द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कहां है, वेयर इज द ब्लैंकेट, द ब्लैंकेट इज ओवर द चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज अंडर द ब्लैंकेट, क्लियर, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन, बीनीथ द सर्फेस ऑफ समथिंग, राइट, सो वेन यू फेच वॉटर फ्रॉम वेल, जब आप पानी निकालते हैं किसी कुआं से, तो आपको पता होना चाहिए that water we fetch from well is basically underground water. So why we call this underground water? हम इसे underground water क्यों कहते हैं? Now reason is this is the surface. You can say ground surface or you can say land, right? But then where is water? पानी कहाँ पर है? वो बहुत नीचे कहीं जा करके यहां कहीं पानी होगा, obviously यही है। So here you can understand the water is below the ground, under the ground, and that is underground. Clear? So that is the surface of something. Clear? So, अब इसको देखने के लिए we have an image, image भी है। Here you can see what is the surface and where is the surface. The surface is here, as you can understand, the surface is here, right? And where is this swimmer swimming? ये swimmer कहाँ तैर रहा है? Where is this swimmer swimming? एक कहां पे तैर रहा है? It is not blowing here on the surface. If had it been here, then we would have said on the surface, right? On the surface. But now it is under the surface. So this is underwater swimming. What is this known as? Sometimes the person is swimming in the swimming pool. ये तो swimming pool में तैर रहा है। ओशन में तैर रहा होता है या किसी सी में, तो हम इसको नाम दे देते हैं लाइक दिस, आपने कभी सुना हो लाइक दिस, स्कूबा डाइविंग टाइप ऑफ स्विमिंग, राइट, ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, स्टे ट्यून्ड, लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट नंबर और डिग्री, सो हियर यू सी, आई कैन गिव यू सम एग्जांपल फॉर दिस, लाइक दिस, अंडर, ओके, 15 चेस चैंपियनशिप, राइट, इट इज अ माइंड गेम, तो अंडर 15 चेस चैंपियनशिप मींस दोज कैंडिडेट्स, दोज कंटेस्टेंट्स, दोज प्लेयर्स हु आर बिलो 15 ईयर ऑफ एज, दे कैन पार्टिसिपेट, और 15 ईयर ऑफ एज, गॉट इट, so under 15 we generally use these expressions, right, okay, the temperature is under 30 degrees celsius, sometimes we say under 30 degrees celsius, this air conditioner work best when the temperature is under 40 degrees celsius. If it is above 40 degrees Celsius, we are not sure that this AC will work or not efficiently. तो इस तरह के advertisements हम पढ़ते हैं कि अगर इस AC को आप खरीदते हैं तो ये 40 degrees Celsius temperature से नीचे में तो बढ़िया काम करेगा, उससे ऊपर अगर temperature है तो फिर पता नहीं भाई, तो दूसरा AC आप दूसरा brand देखिए, right? So let's see here. Okay, so here you see underage voters. Oh my God, this happens.
ये होता है, यू कैन सी, आई थिंक दिस इज पिक्चर इमेज इमेज फ्रॉम नेशन फ्रॉम साउथ, नेशन फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका कंट्री का हमें पता नहीं, बट ध्यान से देखिए, चिल्ड्रन आर वोटिंग, चिल्ड्रन आर वोटिंग, आई कैन, आई एम श्योर दैट दे कैन नॉट एंजॉय दिस एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट उनको नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनको देख करके तो ये लग रहा है कि इनकी उम्र 18 साल तो नहीं है, विच इज द लीगल एज फॉर using this adult franchise. Okay, so this is underage voters, under 40 degree, under 19 cricket world cup. So here you see the application of under less than the required amount, number or degree. Okay students, okay, here you see inferior to in status or rank, inferior to in status or rank, twice it has been. Okay, so inferior to in status or rank, what does that mean? It means a major in the army is under colonel. So a major in the army is under colonel, major, colonel, you know, these terminologies are related to part of this is we generally say, what is this, this is known as hierarchy of any echelon. So hierarchy means jo kram nirdharit kiya gaya, status kya hai, rank kya hai. राइट तो यहाँ पर हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, लाइक हु इज द सुप्रीम, हु इज एट द सुप्रीम पोजीशन, सबसे टॉप पर कौन है, उसके नीचे अंडर उसके कौन है, फिर उसके नीचे उसके अंडर कौन है, कितने लोग अंडर मेरे काम करते हैं, हु इज द बॉस, हु इज द टीम लीडर अंडर, क्लियर. तो आप इसको देखिए, 40 persons वर्क अंडर मी, 40 persons, 40 लोग हैं मेरे नीचे काम करते हैं, 40 persons are there, I'm the boss of 40 persons, I lead 40 persons. Here you see, so superior कौन है, inferior कौन है, junior कौन है, senior कौन है, this is decided by this word, under decide कर सकता है. Clear? Okay students, let's see the next one. Subject to the supervision, instruction and influence. Yes. So examination is going on, examination चल रहा है, मान लीजिए तो हम क्या कहेंगे, like this, हम कह सकते हैं under the supervision, under the observation, under the guidance of somebody, under the auspices, another word for guidance, or you can say leadership. So under the supervision, under the observation, under the guidance, under the auspices. So here you can understand these words, the student, ki bahut acche word hai, inko yaad kariye, under ke collocation mein bhi aate hain, inko yaad karne se aapko bahut sare questions karne mein help hogi. So you can say, you can never say in the supervision of, ye baat galat ho jati hai, we generally say under the supervision, under the observation, the patient is under the observation, isko likh sakte hain like this, the patient is under the observation of, you can write here, the patient is under the observation. तो patient जो है वो कहां पर है भाई, वो निगरानी में है. The patient is under the observation of medical experts. तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि भाई वो एक पैनल की निगरानी में है, एक्सपर्ट्स की निगरानी में है. तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हुआ. लेट्स सी व्हाट वी हैव टेकन हियर, अंडर द कस्टडी ऑफ गार्जियंस. तो अंडर द कस्टडी ऑफ गार्जियंस का मतलब यही है कि द चाइल्ड इज ऑलवेज सेफ अंडर द कस्टडी ऑफ पेरेंट्स, द चाइल्ड इज ऑलवेज सेफ अंडर द कस्टडी ऑफ गार्जियंस. बच्चा अपने माता पिता, अपने अभिभावकों की निगरानी में सुरक्षित है. राइट, हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, दैट इज व्हाई समटाइम्स आई सी
स्टूडेंट्स यूज इन, मैं इसको दोबारा से सुनाता हूं आपको, ध्यान सुनिए, बच्चा बालक कोई भी हो वह अपने माता पिता की निगरानी में सुरक्षित है। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ये मैं शुरू में अभी इस लेक्चर के शुरू में बताया भी था मैंने आपको कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम एक ही आती है बच्चों, और वो ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश और हिंदी अलग अलग लैंग्वेज है, आप इन नहीं कह सकते। We have certain rules to follow. Clear है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। So here you see in the process of something. तो कोई भी चीज अगर प्रोसेस में है, चल रही है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन से अंडर लाइक दिस। अगर आपने कभी इस तरह का बोर्ड कहीं देखा हो, आप लोग हाईवे पे जा रहे हैं तो यहां पर लिखा होता है लाइक दिस, डाइवर्जन अहेड, राइट। फिर इस तरीके से एरो साइन, एंड देन यू रीड देयर, आप क्या पढ़ते हैं वहां पर, इसको देखिए ध्यान से, राइट। देखिए द रोड इज अंडर, अब अंडर के बाद दे कैन गिव यू मेनी ऑप्शन लाइक दिस, अगर वो कंस्ट्रक्शन है वहां पे तो वी कैन से अंडर कंस्ट्रक्शन, द रोड इज अंडर रिपेयरिंग, द रोड इज अंडर मेंटेनेंस। सो यू कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अंडर हियर, द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर, एंड दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ समथिंग। सो डाइवर्जन इज अहेड, द रोड इज अंडर और इन द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस, द रोड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, द रोड इज इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग। सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द मीनिंग ऑफ अंडर, एंड हेयर यू सी द न्यू प्लान इज स्टिल अंडर डिस्कशन। अंडर डिस्कशन मीन्स इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ, इट स्टिल इन द पाइपलाइन। इट इज अ वेरी फेमस टर्म वी यूज स्टूडेंट्स, हमें याद होना चाहिए, इन द पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन मीन्स अभी 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 उसके ऊपर प्रक्रिया में है, अभी चल रहा है, विचार हो रहा है, इन द पाइपलाइन। सो हियर यू सी इन द प्रोसेस ऑफ, क्लियर है। ओके लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट वन, सोड और प्लांटेड वे। सो व्हाट वी सो, हम क्या सो क्या करते हैं, हम क्या बोते हैं, वी सो सीड जनरली, राइट। इडियम भी है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है, नो इशू, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली सो, एस ओ डब्ल्यू, सो सो मतलब बोना, और हम क्या बोते हैं, सीड। एंड व्हाट डू वी प्लांट, हम प्लांट क्या करते हैं भाई, वी प्लांट ट्रीज ऑब्वियसली, एंड प्लांटेशंस में बात करें तो ऑब्वियसली टी प्लांट, रबर प्लांट, इनकी बात करते हैं। एंड वेयर डू वी डू दिस, हम सब कहाँ करते हैं ये सब करने के लिए, व्हाट डू वी रिक्वायर, व्हाट डू वी रिक्वायर, लैंड। सो इफ द क्वेश्चन इज देयर, सपोज हाउ मच land is used, how much land is used under tea plantation, tea plantation. So how much land is used under tea plantation, or you can say how much land is under tea plantation, this is okay, this is clear, how much land is used, word agar aap chahe to likhe, it is not required, how much land is under tea plantation, to kitna area hai jo humne tea plantation ko devote kar sakte, devote kiya hua hai, wahan pe hum under ka use karte hain, एंड नेवर से कि यहाँ पर इनका यूज होगा, कभी होता नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इन आएगा अंडर आएगा, ये तो इसके पार्ट है, तो आप इसको याद कर लीजिए, वी ऑलवेज से अंडर, राइट। सो हियर यू सी लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर, राइट। सो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर, अब इसके ऊपर हमें लिखना है, suppose we are writing a paragraph on or essay on or a letter on, कुछ लिख रहे हैं और वहां हमें use करना है, in India below 33%
लैंड इज अंडर फॉरेस्ट कवर. मैंने बिलो भी यूज किया है, अंडर भी यूज किया है. इसको लिख के देखते हैं कि हमने ऐसे क्यों किया. क्या देखते हैं, देखिए, इन इंडिया बिलो 33% लैंड इज अंडर फॉरेस्ट कवर. सो बिलो इज एग्जैक्टली टर्म विच इज यूज इन द सेम मैनर की हमने अभी पढ़ा था कि इन द क्वान्टिटी ऑफ, ओके, इन द लोअर क्वान्टिटी ऑफ. तो लोअर क्वान्टिटी के लिए, उससे कम के लिए हम बिलो यूज कर रहे हैं. देख लीजिए यहाँ पे, तो 33% से नीचे हमारे यहाँ पर है, विच इज द आइडियल परसेंटेज फॉर एनी नेशन. ये है, कम से कम 33% लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए, ये आइडियली बोला जाता है. पर इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो कम है. सो अंडर कहाँ पे यूज हुआ है आप समझ सकते हैं, क्लियर है. तो इसको आपने नोट, बट डोंट से इन फॉरेस्ट कवर, ये गलत हो जाएगा एग्जाम में, ऐसे नहीं बोला जाता. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वन एकड़ लैंड अंडर राइस का मतलब हुआ, मीनिंग क्या हुआ भाई, कि हमारे यहाँ नहीं सॉरी, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है कि हमने एक एकड़ का, हमारे पास 10 एकड़ जमीन है और हमने 10 एकड़ में से 1 एकड़ में चावल की खेती कर दी. एंड वी कैन सी सेंटेंसेस लाइक दिस, हम इस तरह के सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं, आपने देखा भी होगा आई थिंक, कि more land is under rice farming than wheat farm. तो हम चावल की भी खेती करते हैं, फार्मिंग और गेहूं की भी करते हैं, पर हमारे यहाँ पर क्या है, इन इंडिया वी कल्टीवेट मोर राइस देन वीट. हम चावल की खेती ज्यादा करते हैं और गेहूं की खेती कम करते हैं. तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यूज किया, अंडर राइस फार्मिंग देन वीट फार्मिंग. अंडर का यूज यहाँ पे इस तरह से हुआ है. आई होप यू हैव गॉट इट, आपने समझ में आया होगा. अंडर को एक प्रीफिक्स के रूप में भी यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर इज ऑल्सो यूज एज अ प्रीफिक्स. तो अंडर को प्रीफिक्स की तरह यूज करने का जो यूज है, उससे पहले लेट मी शो यू अदर यूजेस ऑफ अंडर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो यू कैन राइट हियर, इसको लिख देते हैं यहाँ पे. अंडर इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. अंडर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम भी करता है, राइट. इफ आई से द कार वेंट अंडर, द कार वेंट अंडर, इट मीन्स कि कार कहाँ चली गई, अंडर नीचे चली गई. The car went out, बाहर चली गई. The car went in, अंदर चली गई. The car went up, तो नहीं जाएगी, तो अंडर चली गई. Under means कि वो नीचे गिर गई, खाई में गिर गई, whatever you say. So what is the place here? Under is the place here. Now how can I say कि ये place हो सकता है? अब इसका question बनाइए. तो इसका question क्या बनेगा भाई? Where did the car go? Car कहाँ चली गई? Then the answer is under. कार तो नीचे चली गई. तो under यहाँ पर adverb का काम भी करता है, इससे ज्यादा under adverb नहीं है. Have you got this? Clear है? Right. So इसको अभी आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे under जो उल्टे हाथ पे left hand side पे आपको दिख रहा है, that is a person. Image देखिए आप इसको, हमें इसको prefix की तरह use करना है. तो क्या है? Undercover agent. ये आप जो देख रहे हैं, इट इज अंडर कवर एजेंट. तो अंडर कवर को हमने कैसे यूज किया है देख लीजिए आपके सामने. ओके, सो हियर यू सी
अंडर इज ऑल्सो अ प्रिफिक्स में गेस वॉट और हु इज दिस, ये क्या है यहाँ पर आपके सामने, द पर्सन इज ट्राइंग टू बोल समथिंग, एक गेम होता है आपने देखा भी होगा, उसमें हम बहुत सारी बॉटल्स को एक बहुत बड़ी बॉल से रोल करते हुए फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, बाउलिंग इट इज नोन एज, एंड उसमें बॉल को कभी भी ओवर आर्म हाथ को उठा करके ऊपर से ऐसे नहीं फेंका जाता, उसमें नीचे फेंका जाता है ऐसे करके, पर वहां यूनिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं होती, द पर्सन इज यूनिफॉर्म, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, और ये हुआ था कब, इट हैपेंड इन 1981, अ मैच वॉज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वेयर ऑन द लास्ट बॉल, स्टूडेंट्स रिमेंबर, लास्ट बॉल पे क्या था, न्यूजीलैंड रिक्वायर्ड 7 रन टू विन, न्यूजीलैंड को 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए और 6 रन चाहिए थे, 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए, हाँ, और 6 रन चाहिए थे स्कोर को इक्वल करने के लिए, टाई होने के लिए, तो लास्ट बॉल पे 6 ना मार पाए, इसलिए उस समय के कैप्टन ने अपने बॉलर को कहा कि तुम अंडर आर्म बॉलिंग कर दो, अंडर आर्म, वही हुआ और वो न्यूजीलैंड ने 6 नहीं मार पाया और वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो ये कुछ अनफेयर था, राइट, अनजस्ट था, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम, राइट, तो ये देखिए ध्यान से, अंडर क्या है भाई, अंडर इज द प्रीफिक्स, तो इसमें हमने क्या देखा, अंडर आर्म बॉलिंग, अंडर आर्म बॉलिंग मीन्स हाथ को ओवर आर्म बॉलिंग, ऐसे ऊपर से हाथ को उठा के फेंका जाता है, अंडर आर्म बॉलिंग नीचे फेंका जाता है, ओके, लेट्स सी, गेस व्हाट हु इज दिस, ये कौन है भाई, ओहो, यू कैन सी टू पर्सन्स आर फाइटिंग, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, जो फर्स्ट वन है इसके हाथ में आप देखते हैं स्पीयर है और उसके साथ प्रोटेक्शन भी है, ओके, तो दूसरा जो है वो क्या है, ओ भाई, उसके ये एक बड़ा ही मिसमैच सी फाइटिंग आपको लग रही है, चांसेस किसके हैं ज्यादा जीतने के आप समझ सकते हैं, राइट, अब हम चांसेस की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हु इज गोइंग टू बी द विनर, और चांसेस उसी के हैं जीतने के, बट सोचिए जीत जाए वो जिसके हाथ में आप देख सकते हैं कैटापुल्ट है, कैटापुल्ट समझते हैं गुलेल, वो अगर जीत जाए तो आप क्या कहेंगे, कौन जीत गया, जिसके जीतने के चांसेस नहीं थे, तो ऐसे को हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरडॉग, यस ऑफ कोर्स, अंडरडॉग अ पर्सन और टीम थॉट टू हैव लिटिल चांसेस ऑफ विनिंग, राइट, तो क्या कभी ऐसा होता है भाई, मैं तो क्रिकेट में ही इंटरेस्ट रखता हूँ तो मुझे ज्यादा क्रिकेट के बारे में पता है, तो वहीं से कोई एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, तो ये है मेरे सामने एग्जाम्पल, दिस टीम प्लेड इन 2003 वर्ल्ड कप, ये टीम खेली थी केन्या इन 2003 वर्ल्ड कप, एंड दे रीच्ड, ये पहुंच गए थे कहां पे, इनका बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ था, एंड दे रीच्ड माय डियर स्टूडेंट्स सेमीफाइनल ऑफ दैट वर्ल्ड कप, और ये बहुत बड़ी बात थी, राइट, क्लियर है, तो केन्या ने ऐसा परफॉर्मेंस किया, केन्या वो टीम थी थॉट टू हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग, एंड दे रीच्ड इनटू द सेमीफाइनल ऑफ दैट वर्ल्ड कप, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, आप इसको देखिए और समझिए और सजेशंस दीजिए, बाय बाय।